यूपी की सरकार 3 दिन के लिए लॉकडाउन के बाद पुलिस फरदपुर पर आ गई। इस दौरान जिला अधिकारी चंदौली व एसपी हेमंत कुटियाल द्वारा मुगलसराय व सदर एडिशनल एसपी अनिल कुमार द्वारा बिहार बॉर्डर पर रोड मार्च किया गया। खबर चंदौली से, जहां आखिरी 3 दिन के लॉकडाउन के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद कर लिया गया। इस दौरान मध्यनगर एडिशनल एसपी व अनिल कुमार ने बिहार बॉर्डर पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय थाने का सक्रियता देखी। इस क्रम में उन्होंने चेक किया बोबरा साहिबगंज इलिया थाना में पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया तथा दिनों विस्तार से लोगों को निर्देश भी दिया गया कि इस दौरान चकिया सीओ जगतराम कन्नौज सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में मौजूद रहे। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। सर, जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें क्या क्या तैयारियां की गई? तैयारियां की गई जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे दाना का जो भी सामान है वो डोर टू डोर सप्लाई होगा, कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जिसको जरूरत होगी उनको डोर टू डोर सप्लाई उनकी होगी। तहसील में कहां कहां पुलिस द्वारा चक्रमार कर लोगों को निर्देश दिया गया? चकिया, इलिया, साहबगंज और आपका बबुरी, जो भी हमारे बड़े बड़े कस्बे हैं सभी में पुलिस चक्रमार करके पूरी कार्रवाई कर रही है। तो कल और क्या क्या व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से रखी गई हैं जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रखा जाए और लॉकडाउन का पालन किया जाए? पुलिस पूरे कस्बा क्षेत्र में जहाँ जहाँ दुकानें हैं सब जगह भ्रमण सील रहेगी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।